For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. इश्कबाजी की कहानी में अब जल्द ही अनिका और शिवाय का हो सकता है मिलन। जी हाँ, शो का ट्रैक कुछ इस तरह बदल जाएगा कि जल्द ही आप देख सकते हैं कि आपके शिविका मिल जाएंगे, लेकिन वो कब होगा ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये याद दिला दें कि कैसे शो की कहानी पीछे चली गई है, जहाँ अनिका और शिवाय पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से और शिवाय ने सुना दी है अनिका को खरी खोटी और वो अनिका को चोट भी पहुँचा देता है, जिसके साथ ही अनिका की मुसीबत और भी बढ़ जाती है और अनिका को अपने ही घर से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद अब हम आपको आगे की जानकारी दे दें कि शो की कहानी में आप एक ट्विस्ट देख सकते हैं। जी हाँ, शो में आ सकता है पुनर्जन्म वाला ट्रैक। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में जल्द ही आपको ये देखने को मिल सकता है कि शिवाय को याद आएंगे कुछ अनिका के साथ बिताए हुए पल। लेकिन अब कहानी में ये देखना हो जाएगा काफ़ी मज़ेदार कि आखिर कैसे शिवाय को पता चलेगा कि उसने कभी अनिका से बहुत ज़्यादा प्यार किया था, और फिर क्या अनिका और शिवाय का हो पाएगा इन सब के बाद मिलन, ये सब जानने के लिए बन जमा साथ। फिलहाल मैं शुरू में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट शो इश्कबाज से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।